गुड मॉर्निंग एलकेजी बेटा, नाउ ओपन योर ग्रेसफुल प्री प्राइमर बुक पेज नंबर 36। इस पेज में बेटा कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, दिस और दैट का यूज आपको बताया गया है बेटा, उसी पर दिस और दैट वाले कुछ क्वेश्चंस हैं और उसका आंसर हमें फिगर की हेल्प से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। रीड विद मी। WHAT व्हाट, IS इज, THIS दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, व्हाट मीन्स क्या, व्हाट इज दिस, यह क्या है। अगेन WHAT व्हाट, IS इज, THIS दिस, व्हाट इज दिस। आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज दिस, यह क्या है, देखिए क्या यह डॉल बनी है ना बेटा, डॉल है। आप कहेंगे दिस इज अ डॉल, क्या कहेंगे, दिस इज अ डॉल। आपसे कोई ये दिखाकर पूछेगा व्हाट इज दिस, आप कहेंगे दिस इज अ डॉल। THIS दिस, देखिए दिस की स्पेलिंग ये है, वही स्पेलिंग यहां है, THIS दिस, IS इज अ, दिस इज अ, नाउ यू हैव टू राइट डॉल, स्मॉल डी ओ डबल एल, डॉल फुल स्टॉप, डी ओ डबल एल डॉल। ओके, अब मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज दिस, आप कहेंगे दिस इज अ डॉल। नेक्स्ट, जो चीज नजदीक रहेगी उसके लिए व्हाट इज दिस, यह क्या है, जो चीज दूर है तो पूछा जाएगा व्हाट इज दैट, वह क्या है, THAT दैट, दैट मीन्स वह। दिस का यूज करते हैं जब कोई चीज आपके नजदीक है, दैट का यूज करते हैं जब चीज आपसे दूर है। अब है WHAT व्हाट, IS इज, THAT दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट मीन्स वह क्या है, व्हाट इज दैट, दैट इज द, देखिए यही वाला दैट, दैट इज द, क्या है बेटा, ये सन है ना, तो दैट इज द सन, वह सूरज है, फुल स्टॉप ऑलरेडी यहां पे दिया है बेटा, इसलिए मैं यहां नहीं लगा रही हूं, यहां पर मैंने केयर नहीं किया था, ऑलरेडी फुल स्टॉप दिया हुआ है तो अलग से फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है, इस डॉट को फुल स्टॉप कहते हैं, ये पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, यदि ये यहां पर ना होता तो फिर हम लोग सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते, ठीक है। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज दिस, यह क्या है, क्या है बताइए, बनाना है ना, तो आप क्या आंसर देंगे, दिस इज अ बनाना, दिस इज अ बनाना। किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज दिस, तो आपने कहा दिस इज अ बनाना, और बनाना की स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए, बोलिए BANANA बनाना। नेक्स्ट, व्हाट इज दैट, THAT दैट होता है ना बेटा,
वॉट इज दैट, वह क्या है? तो आप कहेंगे दैट इज अ पैरट। पैरट है ना, पहचान रहे हो ना, दैट इज अ पैरट, पी ए डबल आर ओ टी, पैरट। अब है वॉट इज दिस, यह क्या है? पहचान रहे हो ना क्या है? दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, दिस इज अ पेन। नेक्स्ट वॉट इज दैट, वह क्या है? पहचान रहे हो बेटा इसको आप लोग, ये वुल्फ है, दैट इज अ वुल्फ। नहीं पहचान रहे हो तो अब पहचान लो, ये वुल्फ है। ओके, अब पूरी रीडिंग हम लोग करेंगे। वॉट इज दिस, दिस इज अ डॉल। वॉट इज दैट, दैट इज द सन। वॉट इज दिस, दिस इज अ बनाना। वॉट इज दैट, दैट इज अ पैरट। वॉट इज दिस, दिस इज अ पेन। वॉट इज दैट, दैट इज अ वुल्फ। ये बेटा आपको बुक में फिल करना है, बुक में ही ये वर्क आपको करना है, ठीक है? तो ये बुक आप कंप्लीट करिएगा और बार बार रीडिंग करिएगा। ओके, मैंने कर दिया है, इसको देख के कंप्लीट करेंगे, स्पेलिंग भी लर्न करेंगे आप। और एक बार मैं स्पेलिंग लर्न करके बताती हूँ, बोलिए डी ओ डबल एल डॉल, डी ओ डबल एल डॉल, एस यू एन सन, एस यू एन सन, बी ए एन ए एन ए बनाना, बी ए एन ए एन ए बनाना, पी ए डबल आर ओ टी पैरट, पी ए डबल आर ओ टी पैरट, पी ई एन पेन, डब्ल्यू ओ एल एफ वुल्फ, डब्ल्यू ओ एल एफ वुल्फ। ओके बेटा, एक बार और बता दूं, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, कोई चीज नजदीक है तो वहां दिस का यूज, कोई चीज दूर है वहां दैट का यूज। बार बार रीडिंग करिएगा बेटा ताकि आपको रीडिंग करने आ जाए बार बार वीडियो।